सर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका ये कहना था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे पासपोर्ट दे दिया जाए। शाम को पासपोर्ट दिया, सुबह 10 बजे वो बाहर चली गई। असल तो में ये सर्जरी जो छोटी सी सर्जरी उन्होंने कहा है कि छोटी सी नहीं है, छोटी सी नहीं है। मैं जो कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, नहीं। क्या सर्जरी क्या? देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरी बात सुनिए। आप भी बेटी हैं, कितनी देर अपने बाप से अलग रह सकती हैं? इसका जवाब मुझे बता दें ना। तो देखिए आप टेलीफोन में बात कर लें, आप वीडियो कॉल में बात कर लें, लेकिन वो तिश्नगी रह जाती है। लेकिन जब तक माँ बाप को अपने आंखों से ना देखें, उन्हें मिले ना, तो वो ऑब्वियस। अब मेरी मैं मिसाल अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी लंदन में है, वहाँ पे भी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर भी है वो। अच्छा। अब वो पिछले 3 साल से नहीं आई थी और मैं 3 साल से गया नहीं था। उसके भतीजे की और मेरे पोते की शादी है, वो आई तो मेरे लिए पता नहीं क्या एक अजीब सी खुशी थी देख के उसको, या उसको देख उससे मैं मुझे देखा तो उसके अंदर बड़ी अजीब सी खुशी थी। मैं इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद से भागा आया सिर्फ उसके लिए कि उसने सुबह पहुंचना। सुबह आई, मिली, मतलब जिस तरह वो जेस्चर होता है माँ बाप का, या बेटी बाप को मिली, बाप बेटी को मिला। मुझे इस सवाल की आज तक समझ नहीं आई। और वो स्माइल जो नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे थी अपनी बेटी को देख, बेटी को मिलकर देख ना, बेशक उनकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, हर किसी की अपनी जगह, लेकिन बेटी चाहे 10 साल की हो, बाप के लिए तो बेटी है। और बेटी जो है अपने बाप के लिए, देखे ना उसने भी तो किस तरह अपने बाप के साथ खड़ी रही है, वो जेल काटी, फिर अब वो बच्ची जिसको बड़े नाज और नर्म से पाला गया था उसने जेल भी काटी, और फिर बाप के सामने वो बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। अब कुछ भी कर सकते थे ना, मतलब आप उसको रेस्ट हाउस में रख सकते थे, आप उनको जमानत दे सकते थे, लेकिन जेल में रखा गया। फिर उसके बाद जब आप वो गई, बाप बीमार है, माँ मर गई, माँ के जनाजे पे नहीं जा सकी, वहाँ पे मरते हुए उसका शक्ल नहीं देख सकी। और ये ऐसा दुख है जो सारी जिंदगी आपके साथ ये रहेगा सारा। ये देखा ना, जैसे परवेज मुशर्रफ ने मियाँ साहब को इजाज़त नहीं दी कि अपने बाप को दफना सकें, इन्होंने उनको मौका नहीं दिया कि वो अपनी बीवी को दफना सकें। तो मतलब इतना कुछ करने के बाद आप क्या समझती हैं? और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो है खिलाफ वर्जी है। आपने शायद उसका वो से बात कर लेते, जिस वक्त उस बच्ची ने पासपोर्ट पकड़ा था, आपने शायद उसके वो जो तासरात थे वो शायद नोट नहीं किए, उसके कितनी उसके एक चेहरे पे किस किस किस्म की खुशी थी, लेकिन वो उसको छुपा भी रही थी, उस खुशी को छुपा भी रही थी, लेकिन यूं ही मौका मिला फौरन अपने बाप के पास गई। और आपने देखा बाप और बेटी का मिलना, बेटी होती सबसे पहले यही काम करती।